दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फूड फॉर यू में। एक बार मैं फिर आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लेके आ चुका हूँ हर बार की तरह। गाइस, मैं आज यहाँ पर आया हूँ छोले कुलचे वाले पे, अशोक विहार में ही छोले कुलचे वाले। प्रॉपर एड्रेस मैं आपको बता दूंगा। छोले कुलचे वाले, इनके जो छोले कुलचे है वो काफी ज्यादा फेमस है, काफी दूर दूर से लोग इनके पास छोले कुलचे खाने आते। तो गाइस, मैंने भी सोचा एक बार मैं भी खा के देखता हूँ यहाँ के छोले कुलचे है कैसे। बाकी मैंने बात कर ली, अभी पूरी मैं आपको छोले कुलचे बनते हुए दिखाऊंगा कि कैसे छोले कुलचे बनते हैं। तो चले गाइस, ये मतलब दुकान कितने टाइम से? 2001 से यहीं पर हो और ऐसे बना के डाला। हरा धनिया, हरा धनिया डाली, हरी मिर्ची डाली है ना आपने? और दे दे भाई, ये अदरक आ गया, प्याज इसमें बाद में पड़ेगी। बिना प्याज के छोले बन रहे हैं? बिना प्याज के बन रहे हैं। ये मसाला मसाला तो अलग ही लग रहा है, कुछ अपना बना हुआ है, अपना बना हुआ है तभी तो अलग स्वाद होता है। ठीक है चीज़ अंकल, ये धनिया पुदीना अदरक का पानी। नींबू डालेंगे, नींबू भी अलग तरीका के हैं, मोटे मोटे। हाँ सही बात है, बहुत मोटे मोटे। कितने नींबू डाल रहे हो अंकल? देखो आप कितने डालता हूँ मैं, सारे पड़ जाएंगे इसी में। भाई साहब, भाई साहब क्यों काट रहे हो? भाई साहब बोलता बोलना है यार, काफी ज्यादा नींबू डाल। ये हो गए रेडी। ये है चटनी स्पेशल, ये भी चटनी है, धनिया। और अभी हमारे कुलचे लग रहे हैं। गाड़ी देख सकते हो कितने लजीज दिख रहे हैं ये, और खाने में तो और ही ज्यादा मजा आने वाला है। रायता भी देख सकते हैं आप कितना यम्मी है। तो गाइस, मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ कितने की। ये जो पूरी प्लेट आपको दिख रही है 70 रुपीज की प्लेट है, और 30 रुपीज का रायता है, मतलब 100 रुपीज का टोटल है। तो ज्यादा कॉस्टली, ज्यादा महंगा भी नहीं है, और मेरे को और एक प्लेट, एक बंदा आराम से एक पेट भर सकता है। कितना ज्यादा छोले देख सकते हो, और ये अलग अलग तरह की चीजें, चटनी है, मीठी चटनी है ये। कुछ अलग ही लगे, मसाले डाले हैं, मजा सा आ रहा है खाने में। मक्खन से भरे हुए और क्रिस्पी क्रिस्पी है, मजा आ गया। तो
बाकी अपने यहाँ पर कार से आना ही ज्यादा बेटर रहेगा, और लोग कार से ही आ रहे हैं। जमीन चटनी जो होती है वो ऐड ना खाते क्योंकि मिलती है ना, इसलिए कभी मैं पूरा खत्म करता हूँ उसके बाद आपको वीडियो का ऐड। जो कुलचे का जो टेस्ट है वो काफी ही ज्यादा यम्मी था क्योंकि अंकल ने अपने खुद के मसाले डाले हुए थे, इस वजह से कुछ ज्यादा ही टेस्टी थे। बाकी छोले के टेस्ट है वो काफी ही ज्यादा टेस्टी था। बाकी प्याज वगैरह तो एक चीज जो आपने देखी थी प्लेट में एकदम सज के आई थी, ये नहीं कि नॉर्मल कैसे भी दे दिया, एकदम सजी हुई प्लेट आई थी हमारे सामने जो मतलब कुछ ज्यादा ही टेस्टी थी गाइस। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए, सोक विहार के अंदर है ये शॉप। वैसे मैं पूरा लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस, तो कोई आपको परेशानी दिक्कत नहीं होने वाली। मेट्रो कोई नियर में है नहीं वैसे, तो आप तो अपने व्हीकल से आना पड़ेगा। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो तो गाड़ी से आओगे तो कार में आराम से आप खा भी सकते हो, कार में आपको सर्व करवा देंगे, साइड में गाड़ी लगे जैसे मैंने आपको वीडियोस में दिखाया था। तो गाइस सजेस्ट यही करूंगा कि यहाँ पर अगर आसपास रहते तो उसे जरूर गाइस खाने आना क्योंकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे यहाँ के छोले कुलचे, कुछ अलग ही था। मतलब नॉर्मल छोले कुलचे तो आप लोगों ने कहीं कहीं जगह, अगर आप भी फूडी है आपको अलग अलग जगह खाना टेस्ट करना पसंद है तो गाइस यहाँ पर आप जरूर आना। अगर आप यहाँ पर नहीं आते ना तो आप कुछ ना कुछ पक्का मिस कर रहे हैं गाइस। ऐसे ही बेहतरीन स्वाद लेके चलता आपके लिए हमेशा आता रहूंगा गाइस, पर उसके लिए आपको अगर ना पड़े सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा गाइस, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। स्वाद लेके एक बार फिर से मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।